जालौन के नदी गांव विकास खंड की पंचायत जुगराजपुरा का स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। बारिश के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट स्कूल में पानी भर गया है, जिससे स्कूल के छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गांव में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से नालियों का पूरा पानी स्कूल में ही जमा हो रहा है और छात्र पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर है। बहुत बहुत प्रॉब्लम से आते हैं हम लोग, बहुत दिक्कत होती है यहाँ से। हम लोग कई बार गिर भी चुके हैं वहाँ पे। स्कूल में 1 से 8वीं तक के छात्र और छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन जलभराव की वजह से छात्रों की पढ़ाई को काफी नुकसान हो रहा है। बच्चे गंदे पानी में होकर स्कूल आने को मजबूर हैं। स्कूल में भरा पानी बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। ये हर बारिश के मौसम में इसी तरह से जलभराव हो जाता है। यहाँ कोई पानी का निकास नहीं है। जो सीसी बनी है दरअसल उसके किनारे कोई ड्रेनेज जाना चाहिए था, जो सीधे गांव के बाहर नाले में मिलता, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमने इसकी कई बार मौखिक रूप से उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है। यहाँ एक बार मैडम भी आई थी DDO, उनसे उनको भी लिखित में हम लोगों ने दिया था, तो उसके बाद भी स्थिति जैसी थी वैसी ही है। ग्रामीणों के माने तो पानी निकासी ना होने की समस्या सालों से है। हर बार अधिकारी और नेता समस्या के समाधान का वादा करते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। हर साल गांव में ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है।